आज का हमारा पहला वीडियो काफी वियर है। रात का टाइम था और यहाँ पर सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन अचानक आधी रात को रोड पर कोई डायन आ जाती है। रोड पर अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, कुत्ते खुद ब खुद भौंकने लग जाते हैं। तभी एक लड़के की आंख खुलती है। ये लड़का यहाँ खिड़की में आकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ये लड़का यहाँ पर क्या देखता है कि सामने तो कोई डायन आ रही है। तभी ये लड़का अपने माँ बाप को उठाने की कोशिश करता है, भागता अपने बाप की तरफ, अपने बाप को उठाता है, अपनी माँ को भी उठाता, कहता है कि बाहर कोई डायन आ चुकी है। वो धीरे धीरे से हमारे घर की तरफ बढ़ रही है और जैसे ये लोग यहाँ पर आके देखते हैं तो वाकई सामने कोई डायन आ रही है। वो चल रही है धीरे धीरे से, कुत्ते भौंक रहे हैं, बाहर अजीबोगरीब आवाजें आ रही है। ये आवाजें इतनी भयानक थी कि आधी रात को अगर कोई सुन ले तो उसकी जान निकल जाए, वो तो बेचारा मर जाए। Señor Jesús, papá, papá, ay Dios mío, papá, papá, ay mamá, papá, padre, hay alguien llorando aquí, venga, venga, pero no la ría, venga papi, venga, en serio, papá. Uy, Dios mío, Señor, mire, Dios mío, ahí fuera la sangre de Cristo. Ay, Señor, mire, papi, papá, mire, está aquí llorando, no sé cómo que... Mire, es que está tarde, yo se lo escucho, tampoco se escucha, pero no se escucha mucho. Es Dios, pero está todo raro, yo no sé bien de poder la sangre de Cristo Jesús, que es un bebé, o sea, la llora. Papá, mire, ay, mira, apure la entrada, 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 y apure la sangre de Cristo. Mire, Dios mío, señor, Dios mío, señor. Mire cómo llora. ¿Qué? Es un espíritu malo. Llame a la policía, papá. Llame a la policía. Llame. Mire, mire. Está aquí, mira. Ay. Ay, Dios mío, Señor Jesús. Dios mío, Señor. Guys, मैं तुम लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस हॉरर वीडियो के बीच में मुझे आना पड़ा, लेकिन मेरी इंटरव्यू उतनी जरूरी है जितनी तुम्हारे लिए ये हॉरर वीडियो। तो भाई बात कुछ यूँ है कि मैं अपने सेकंड चैनल को ओपन करने वाला हूँ और वहाँ पर मैं डालूंगा चैलेंजेस वीडियो, यानी कि तुम लोग मुझे डेयर दोगे, उन डेयर्स को मैं कम्प्लीट करूँगा। तो भाई बहुत मजा आने वाला है। अब तुम लोगों ने करना क्या है भाई, तुम लोगों ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर देना है, अपने अजीबोगरीब डेयर्स देने हैं, और जो बंदा मुझे डेयर देगा मैं उस बंदे को मेंशन भी करूंगा। तो भाई वीडियो आने वाली है हमारे सेकंड चैनल पे, उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो भाई मैं मिलता हूँ तुम्हें सेकंड चैनल पे डेयर वीडियो के साथ। आज का हमारा दूसरा वीडियो जापान के किसी हॉन्टेड गांव का है। कुछ बंदे यहाँ पर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी ये बंदे क्या देखते हैं कि सामने तो कोई कुछ हिस्सा की होना खड़ी है। तभी ये लोग मोबाइल निकालते इसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा की होना इनके पीछे लग जाती है, इन्हें मारने की कोशिश करती है। तुम लोग देख सकते हो ये चीखते चिल्लाते भागते हैं, ये गलियां सुनसान और वीरान पड़ी हुई हैं, आसपास कोई इंसान नहीं है, इंसान की जात नहीं है। उसने अपने फेस पे मास्क गाया हुआ था क्योंकि उसका चेहरा पूरा फटा हुआ था ना। खैर आगे चल के जो होने वाला है वो काफी भयानक है, जरा तुम लोग खुद ही देख लो। आज का हमारा तीसरा वीडियो इंडोनेशिया की किसी खंडर हवेली का है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग सब कुछ भूल जाओगे। जब ये बंदा यहाँ की जांच पड़ताल करने आता है तो इसी बीच इस बंदे का सामना यहाँ पर रहने वाली डायन के साथ हो जाता है, जो कि दिखने में काफी भयानक थी। ये कोई बुरी डायन है। खैर ये बंदा यहाँ से चीखते चिल्लाते भागता है, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर इस बंदे को कई सारी डायन और कई सारी चुड़ैलें घेर लेती हैं। अब ये बंदा चारों तरफ से घिर चुका है, कभी रोते हुए इधर जाता तो कभी रोते हुए उधर भागता है, लेकिन ये बंदा यहाँ से आसानी से बाहर निकलने वाला नहीं है। जरा तुम लोग खुद ही देख लो कि आगे चल के क्या क्या हो जाता है। Oh!
चेता ना हो रंजिंगा bangke 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 gua ngejar ini aja जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि ये बंदा बहुत तंग हो चुका है। इस बंदे को इस पूरी हवेली में कोई छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। ये बंदा इस हवेली से बाहर नहीं निकल पा रहा था। खैर ये बंदा अपनी जान को किसी न किसी तरह बचाकर इस बाथरूम में आकर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी सामने जो मटका पड़ा हुआ है, जो बाल्टी पड़ी हुई है, उसमें से कोई डायन अपना सर बाहर निकालती है और एक भयानक सा चेहरा देखने को मिल जाता है। और थोड़ी देर बाद जब ये बंदा यहाँ से भागकर दूसरी तरफ जाता है तो हमें यहाँ पर पड़ा हुआ किसी का चेहरा मिलता है जो कि दिखने में काफी भयानक है। तो अब इस सारी घटना को देखकर तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के हमारे आखिरी वीडियो में दो फ्रेंड मिलकर जंगल के बीचों बीच वाले इस रास्ते से कहीं जा रहे थे। तुम लोग देख सकते हो ये कितना सुनसान रोड है, आसपास झाड़ियां ही झाड़ियां हैं। खैर इनके पास से एक बाइक गुजरती है जिसके पीछे कोई लेडी बैठी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ये लोग थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो वो तो अचानक से बाइक कहीं गायब हो जाती है। वो कहां गई इसके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन सामने कोई डायन खड़ी हुई है जिसे देखकर ये लोग काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो सामने कोई चुड़ैल है जिसे देखकर ये लोग अपनी बाइक को यहीं पर रोक लेते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम आखिर करें तो क्या करें, ये कहां से आ गई और वो बाइक जो थी वो कहां गई। ये तो सोच में ही डूब जाते हैं। खैर ये लोग ऊपर वाले का नाम लेकर इस बाइक को आगे धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आगे होता है उसे तुम लोग खुद ही देख लो। तबरक बाइक गाड़ जलूर ya जलूर satu-satunya soalnya tabrak ya Allah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar ya Allah ya Allah ih Allah Akbar Sebentar om. Baru. Ya Allah. तो मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।